हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बच्चों को पहले ध्यान की जरूरत है। हाँ बच्चे देखो। ओके, क्या जा रही हो? ट्रेन। कैसे कह रहे हो मैं ट्रेन पे जा रही? फिर कहो। बहुत ठंडी है भाई। आज का व्लॉग जो है वो जारू स्टार्ट कर रही है और आपको पता चल रहा होगा। हाँ, क्या वो डॉगी आ रहा है भाई। अभी हम लोग गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं। तो जब हम लोग आए थे जिस दिन, उस दिन क्या है कि इतना टाइम नहीं था और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हम लोग आपको दिखा नहीं पाए थे। तो आज हम लोग टाइम से वैसे पहुँच गए, लेकिन जो ट्रेन है वो थोड़ी लेट है, तो इस वजह से है काफी फॉग भी है और इतनी कड़ाके वाली ठंड है कि आपको पता चल रहा होगा मेरे गेटअप से कि मुझे कितनी ठंड लग रही है। मतलब कानों में और नाक में इतनी ठंड है कि बस यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी बच्चे बड़े एक्साइटेड है। अभी जाते हुए हमें जारू और हरीम ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा उदास हो गई थी अपनी मामा के बगैर। रात को उड़ उड़ के जारू ने हमें सोने नहीं दिया सारी रात। नहीं तो पहले बाहर से मैं पहले दिखाऊं मौसम, बाहर से नहीं दिखाऊं। तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये एक पार्क बना हुआ है। अगर ऐसे बच्चे आपको ओके वो कह भी रही है, अगर ऐसे बच्चे तंग करें तो आप उनको लेकर वहां जा सकते हैं, लेकिन हम लेकर नहीं जाएंगे। हम स्टेशन के अंदर ही जाएंगे अभी, और थोड़ा सा मैं आपको स्टेशन भी दिखा दूं। मुझे वैसे लगता है कि ये स्टेशन जो है ना वो नया बना है मौसम, है ना? नहीं पुराना ही है, हम कभी साइड पे आए नहीं। अच्छा, मौसम इस साइड से, फिर वो उधर से चले। बेसिकली मेन बिल्डिंग यही है। ओके, तो हम लोग रात को जो जिस साइड से आए थे वो दूसरी साइड पे गए थे। अच्छा, तो चलो अब अंदर चलते हैं। चलो आजो हरीम, हरीम चलो, हरीम 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 कोंकू का हाथ पकड़ लो, कोंकू का पकड़ लो। हाँ ऐसे। तो भाई अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं स्टेशन के, स्टेशन दिखा दे आपको। ओए अच्छा जी, पानी। अच्छा जी, यहाँ पर आपको काफी सारी एक दो तीन देखती चलो चलो भाग के मामू के पास जाओ। ठंडी लग रही है आपको? ठंडी लग रही है ना? तो इसको कैप को पहनू? हाँ जी भाई, शदीद ठंड लग रही है, लेकिन ये कि अगर आप पहले से रिजर्वेशन करवा लेते हो तो आप भाई सुकून में रहते हो। लेकिन अब 19 मिनट टाइम कवर कर रही है गाड़ी। आते हुए हम लोग 109 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है। हाँ, लेकिन आते हुए हम लोग आए थे रेल कार, रेल कार पे, और जाते हुए हम जा रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पे, है ना? ठंडी ठंडी हो गई है, स्टेशन पे आ गई है। ओके भाई, वैसे मुझे अच्छा लगा ये वाला स्टेशन, जो गुजरांवाला का स्टेशन है अच्छा है। स्पेशली मुझे ना दरख्त बहुत अच्छे लगे हैं जो यहाँ पर है, काफी पुराने पुराने से मुझे लग रहे हैं। और मतलब बड़ा है, छोटा भी नहीं है। हाँ। ये देखो, है ना? धुंध पड़ी हुई है, ट्रेन का सिग्नल नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखने के लिए इधर आया था। हो गया सिग्नल, हो गया ये देखनी। हाँ आने वाली है, बस आने वाली ट्रेन। मौसम बहुत जुगाड़ू है हमारा भाई इस लिहाज से। तुम किस साइड से ट्रेन आनी है? इधर से। पक्का? 100% भाई। उस दिन जब हम आने लगे थे मौसम का दिमाग घूम गया, कहता ऑपोजिट साइड पर जानी। मैंने कहा नहीं यार, ऑपोजिट साइड पे नहीं जानी। और ये मेरी बात नहीं मान रहा। मतलब हम लोग ने गुजरांवाला वाली साइड पे जाना था, ये कह रहा था कराची वाली साइड पर ट्रेन नहीं चल रहा है। और फिर बीच में वो कैबिन में जो अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई इस साइड पर जाना। नहीं था लड़का, यानी कि अंकल की एफए कम ही था यार। कहाँ था वो? कौन? वो नहीं जो उसके साथ बैठा साथ, तो उसने ही आपको बोला था भाई इधर ही जा रही है। हाँ जी, आपका दिमाग उस टाइम पर इतना घुमा हुआ था ना, और फिर मौसम से आपको भाई यकीन आया कि नहीं? रहवाली से निकल आई है। ओके, कोट शाहान है रस्ते में। अच्छा, लोहिया वाला दो है स्टेशन? नहीं नहीं, हाँ ये जगह है जो गुजरे, फिर उसके बाद गुजरांवाला बस। ओके, तो चलो इंतजार कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जिस तरह की ठंड पंजाब में पड़ रही है ना, हाँ। आपको मरी शरी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर ही बच्चे बच्चों से पूछते हैं। बच्चे जारू हरीम, इसकी मैंने भी शर्ट बंद की। कहाँ पर? जारू हरीम
ठंड है, ठंडी लग रही है कितनी ज्यादा। ऊपर देखो ये सभी ट्रेन पू पू करती हुई आएगी। हरीम आपको ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है। ओके फिर आप कैप क्यों नहीं पहन रही? मतलब कैप पहना यार, पहनाई है फिर। और भाई ट्रेन आ गई है, अगर लाइट नजर आ रही हो। जारू हरीम ट्रेन आ गई है। यश पर बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, खासी स्पीड में आ रही है। अच्छा तुम भी थोड़ा फिर साइड पर आ जाओ। हरीम जारी इधर आ जाओ, आगे नहीं जाना। हाँ वैसे स्पीड में ही है। बस खत्म होने वाली है, हमारा कौन सा है, गुजर गया। तो चलो फिर ये ना हो टाइम। कौन ये हमारी कोच? भाई हमारी कोच ये है। कहाँ लिखा हुआ 11 नंबर? ये ऊपर भी लिखा हुआ है बड़ा। अच्छा जी एसी स्लीपर में है हमारी। हाँ जी चलो चलो जारू हरीम इधर आओ। जारू हरीम हरीम कम है आजो भाई। हमारा जो कैबिन है वो कौन सी है? ए बी। आगे चलो 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 रारू। नहीं नहीं ये नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट। यार अच्छा है। नहीं नहीं हम अपने भी बैठते हैं। चलो चलो ये वाला डी इधर ही बैठ जाते हैं अकेले यार। तो अगर कोई आ गया तो नहीं आएगा, चढ़ रही है दो दिन में चढ़ना था। हाँ एक अंकल है तो इधर ही बैठ जाते हैं। चल आ जाओ इधर आ जाओ जारू हरीम आ जाओ आ जाओ। चलो जी सो ये अच्छा है। चलो अंदर। वाओ नाइस। सो भाई ये हमारा है एसी स्लीपर। स्लीपर और जगह बहुत ज्यादा है, आप लेट के जा सकते हैं। आप जरा बैठ के देखते हैं। नहीं मैं बैठ कर तो देखती हूँ हाँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई आ गया तो फिर गाड़ी चल पड़ेगी किसके यहाँ। अच्छा दो बर्थ हैं यानी कि दो सीट्स हैं और साथ ही जो है लॉन्ग ट्रेवल के लिए जो है ना हाँ हाँ मिलती है बर्थ। ये खुल नहीं रही मौसम से। एक मिनट ये तो आके खोलता हूँ। चलो हमारी ट्रेन भी बच्चे अच्छे आराम से चले जाएंगे अब है ना। और थैंक गॉड ठंड भी नहीं है। हाँ उतार लो उतार लो। यहाँ पे से किल्ली भी है। किल्ली है दे आप अपने कपड़े वगैरह। अच्छा इधर मिरर भी लगा हुआ है। टॉयलेट अंदर ही है? टॉयलेट अंदर है। टॉयलेट अंदर है। वाओ ये ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे लैडर भी है। अच्छा ठीक है खुलती है? पता नहीं कैसे खुलती है, हमें यही नहीं पता कि ये खुलती कैसे है। अच्छा चलो ठीक है। अगर हमें जरूरत लाइट्स हैं अभी पहले हम बंद कर दें फिर इसको इसको ऐसे बंद कर देते हैं। लाइट्स अगर और ऑन होती है मौसम ये वाली तो लाइट ऑन होती मौसम। रहने दे नहीं पड़ी है। और गाड़ी भाई हमारी चल पड़ी है इधर से दिखाते हैं। ओके वाओ मजा आएगा ना मौसम। इसके अलावा यहाँ पर एक मिरर भी है और यू नो काफी कंफर्टेबल है, काफी स्पेशियस भी है ये कूप तो उस लिहाज से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नहीं आपू ने नहीं आना, आपू कल आएगी। सो ये हम लोगों ने जो मिठाइयाँ ली हुई थी वो हैं और बाकी बाकी बाकी, बाकी, बाकी बच्चे बहुत खुश हैं। हैप्पी हो? यस ट्रेन चल गई। और ये देखें जी मौसम बना रहा है यहाँ पर, रील बना रहा है अपनी। रील बना रहा है, मैं व्लॉग के लिए शॉर्ट ले रहा हूं। चलो हम रील के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। गुड गुड बॉय।
और भाई यहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई थी और यहाँ से भी एंट्रेंस हो सकती है, लेकिन उस टाइम गेट बंद था। हाँ चलो हरीम आप अंदर बैठ जाओ। तो भाई मैं अब बैठ चुकी हुई हूँ आराम सुकून से, काफी रिलैक्स होकर हम लोग जाएंगे। वैसे इस ट्रेन की मतलब इस कैबिन की आपकी जो ओके बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करना इज नॉट ईजी ओके। सो भाई अब हम लोग बैठ चुके हैं और बच्चे भी जरा एडजस्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा कि हम बाकी की बातें कर लें। तो जब हम लोग रेल कार में आए थे तो उसका जो फेयर था वो 500 था ना मोहम्मद? हाँ 500 था। और अभी जिसमें हम बैठे हुए हैं इसका 850 है पर पर्सन, है ना? हाँ, क्या हुआ है? तू क्यों बेल देता जा रहा है? पहले पंखा है। तुम्हें पंखा लगाना है? नहीं, वैसे और विंटर्स में अच्छा खा लो, विंटर्स में सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि आप बहुत रिलैक्स होकर इंजॉय करते हुए जाते हो और आपका सफर बहुत अच्छा गुजरता है। ऑनेस्टली बोलू मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्पेशियस हम लोगों को एक रूम मिल जाएगा। अभी ये देखें जी, बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बच्चों के साथ सफर करना बिल्कुल आसान नहीं है। बच्चों ने हमारे आते साथ ही गन डाल दिया हुआ है और मौजम मामू को इरिटेट कर दिया हुआ है। जी मजा आ रहा है, दारू को मजा आ रहा है। अच्छा जी मौजम कहाँ जा रहा है? अच्छा वो डस्टबिन है। ओके सो भाई ये डस्टबिन भी है यहाँ पर और वैसे साफ सुथरा ही है ना? हमारे बच्चों ने थोड़ा सा गन डाल दिया, तो मुझे लगता है कि लंबे सफर के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। आपने अगर कहीं जाना है, वैसे ही गाड़ी आई कहाँ पर जाएगी? मौजम उसको बिस्किट खोल के दे दो, एक मिनट में पुराना स्टेशन है गुजरांवाला का। जारू कहाँ है बिस्किट आपका? अच्छा मामू कहते मैं अभी आपको देता हूँ, ठीक है? ओके मामू बहुत बिजी है भाई। भाई हम लोग थोड़ा सा फ्रेश कर रहे हैं अपना परफ्यूम बस कर दे और कॉफी ग्रीन टी चाय गरम चाय। ओके भाई चाय कॉफी और ग्रीन टी भी हमें मिल सकती है। और अगर आपके मोबाइल भाई ये आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है कि आप अपनी अगर मोबाइल की बैटरी है वो लो हो जाए तो वो चार्ज कर सकें। एक बेल भी दी गई है। हाँ जी क्या फॉग है भाई? फॉग है यस फॉग है। और ये देखें क्या हो रहा है, और ये देखें अब गरम गरम बाहर तो पी नहीं सकते माहौल में ना बाबा ना। और मौसम तो भाई बड़ा रिलैक्स होकर उसने अपना पैकेट है वो वहाँ पर लटका दिया है। हाँ मेरा मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है वॉशरूम, आई एम सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है वॉशरूम दिखाने का। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है वॉशरूम यूज करना, चाहे ट्रेन का वॉशरूम साफ हो या ना हो मेरी कोशिश ये होती है मैं यूज ना करूँ। मोड की बजाय जो है ना दूसरा जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट होता है ना वो दे देना चाहिए। मोड भी हो या इंडियन भी हो ना फिर भी मेरा ये दिल करता है मैं घर जाकर यूज करूँ, तो ये थोड़ी सी दिमागी प्रॉब्लम है मुझे और बहुत सारे लोगों को होती है। आई नो मैं कह रही हूँ कौन बोल रहा है, नजर तो कोई आ नहीं रहा, बाइक में बात कर रहा है 90 की स्पीड से चल रही है अभी ना। हाँ लेकिन आई थिंक 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। अब जाकर देखेंगे कि लाहौर का वेदर कैसा, क्योंकि यहाँ पर तो वेदर आज बहुत ठंडा था, कल से ज्यादा ठंडा मुझे लगा। हरीम करो असल में ये भी है ना, ये कौन सा स्टेशन जा रहे हैं? कौन सा स्टेशन भी है? मैं अहमदाबाद होगा भाई। हाँ अहमदाबाद ही था। एक पुरसकून मैं कहूँगी कि हमारा सफर रह रहा है, बाहर इतनी ठंडी अंदर आके कोई ठंडी महसूस हो रही, जो वो लग रहा था ना कि नाक में कान में बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। वैसे आपको पता है पाकिस्तानी रेलवे का सबसे ज्यादा लग्जरी यही डब्बा है जिसमें हम बैठे हैं। हाँ यानी कि उनके लिए सिर्फ जो है ना पैसेंजर्स के लिए सबसे ज्यादा लग्जरी यही कैबिन है। वैसे मैंने इतना स्पेशियस सीनस नहीं देखा पहले। हाँ आपने भी ट्रैवल नहीं ना कि मैं स्लीपर इसी वजह से पसंद है, मुझे लगता था कि सिर्फ दो जिसमें हम गए थे ना हाँ वो ही वाले होते हैं। नहीं नहीं लेकिन जो इसमें दो लोगों का भी कैबिन होता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। नहीं लेकिन वेदर के लिहाज से लेकिन अच्छा वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि जो दो बच्चे हमारे साथ ये लोग थोड़े आराम से बात। हाँ ये तो है वैसे बच्चे खुश हो रहे हैं।
बड़ा शौक है, बहुत खुश होना था, बड़ा मजा आना था फिर ट्रैवल करने का, क्योंकि एक तो यार खुले ढुले होकर आप जा रहे हैं। सही बात है। ये ट्रेन में खुली जगह दे के हमारे बच्चे देखे क्या कह रहे हैं, सुपरमैन। इस लड़की ने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया, मेरी खुशियां देखे नहीं, तस्वीर नहीं ले रहा। असल में मैं सोच रहा हूँ कि आज धुंध कम है तो ट्रेन जो है ना खींची जा रहा है, अच्छी बात है, विजिबिलिटी 110 पे जा रही है। फील तो नहीं हो रही वैसे, क्योंकि हम जो हमें इस वजह से नहीं फील हो रहा क्योंकि हम बैठे हैं एसी क्लास में। अगर हम बैठे होते ना उसमें इकोनॉमी क्लास में, फिर सर्दी से आपके टांगे जब काम नहीं थी ना। भाई इकोनॉमी में ट्रैवल करने से बेहतर है कि ऐसे वेदर में आप ट्रैवल करो। हाँ सही बात है, आप बस पे इसकी बात सुन ले, आप बस पे ट्रैवल इसकी पहले बात सुन ले। हाँ जी सुनाओ। हाँ बोलो, मैंने भी आना, मैंने भी आना है। हमारे इन्हें नींद आ गई है, ये भी इसे भी नींद आ रही छोटी सी बच्ची को। और वैसे ना इस कोच की आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सिर्फ 12 लोग बैठ सकते हैं पूरी कोच में, मतलब यानी ये जो कूप है ना, चार लोगों के लिए दो कूप है और फिर दो दो लोगों के लिए दो कूप है। अच्छा, मतलब सारे इसी में ही है, सारे इसी में। चलो अच्छा, वैसे अगर दो वाला भी हम लोगों को, लेकिन वो थोड़ा सा ना यू नो हाफ हो जाता है ना, तो वो जरा थोड़ा सा तंग लगता है, ये जरा ज्यादा खुला। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर दो वाला भी हम लोगों को देखने को मिला ना, हाँ, तो हम लोग देखेंगे। हाँ, हाँ, वो उतरते हुए देखेंगे, उस कॉर्नर पे होता है उस कॉर्नर पे। लेकिन भाई अभी ये है कि जो ट्रेन है वो अभी तो थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन ये कि काफी स्पीड से आ रही थी, 10 की स्पीड से, तो मौजा भी बता रहा था कि काफी ज्यादा सख्ती हुई हुई है, तो इस वजह से ये लोग भी थोड़ा टाइम के पाबंद हुए, क्योंकि पीछे से ट्रेन थोड़ी पीछे आधा घंटा जब हम स्टेशन में पहुंचे थे ना, 27 मिनट लेट थी, लेकिन स्टेशन तक आते आते जो है ना वो डिले 11 मिनट में चला गया था। हाँ वही तो कह रही, हालांकि हम लोग जब स्टेशन गए हैं तो जल्दी आ गई, इतना टाइम नहीं लगा। मुझे वैसे क्या नाम लेते हैं, अभी स्टेशन में एक आ रहा है काला शाह काकू। ओके, हम वैसे क्या नाम लेते हैं, 35 मिनट में शिदरे पहुंच गए हैं। शादरा, वो बचपन से आदत है, शिदरा शिदरा खड़ा हुआ है। तो 35 मिनट में हम पहुंच गए शिदरे, सॉरी शादरा। तो कैसा लग रहा है आपको पहुंच के? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी बैठी हूँ और मैं अभी लाहौर पहुंच गई। हाँ वैसे ना सही बात है, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है। हमारे घर वालों ने बड़ा हैराना है, नोशीवारी को कॉल करूँ? हाँ करें करें, कॉल करती हूँ, तुम्हें बताती हूँ नोशीवारी को, नोशीवारी का रिएक्शन हो, फर्रुख बाजी का रिएक्शन क्या है। ये भजन नारोवाल का रश देखना, लसानी नहीं ना आई आज भी। वो ट्रेन जा रही है, चलो अब ये ट्रेन चेक करने लग गया। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाजी, हम लोग लाहौर पहुंच गए हैं। हाँ जी, नहीं बस स्टेशन आने वाला है। अजी तुम दसो, अभी असली कॉल किया, तू हैरानी हुई है जल्दी पहुंच गए हैं। सीरियसली? हाँ लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट सी ना। हाँ पर बहुत मजा आया, सानू ऐसा फील हो रहा है कि असि बैठे हैं तो उतर गए हैं। हाँ बहुत मजे दी ट्रेन है बाजी। चलो ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ बाजी। तो हैरान ही नहीं हुई, हम हैरान हो गए, ये तो प्रैंक हमारे साथ हो गया। दारू को देखो, ये शर्म आयशा बाजी जाना है। वैसे बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी लग रही है, ये गुग्गा है, बाजी जैसी लग रही है ना। नहीं नहीं, मुझे बताओ आपको चम्मी आ रही है? किससे शर्म आ रही है? यायू को शर्म आ रही है। हीम को शर्म आ रही है? नहीं आई। हीम को शर्म नहीं आती? हीम को नहीं आती। नहीं
जी आ जाए आ गया स्टेशन चले चले। तो यहाँ पर हमारा सफर जो है वो खत्म हुआ, ये ट्रेन आगे जाएगी अब कोयटा और हम जाएंगे घर। वन आवर लेटर पता चल गया हम सरप्राइज दे रहे थे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वो बड़ी उदास थी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अपने घर वापस आए लॉलीपॉप देखे। हम आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं बुजी, हम आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। ये मिठाई मिठाई नहीं है, अखरोट का हलवा ते एक सुलेमानी हलवा। अब ये ना चिप्स ये जरा मुझे डिफरेंट लगे थे ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी हम लोग अपने घर आ गए हैं और सीरियसली घर में आकर इतना सुकून मिल रहा है, मतलब माइंड फ्रेश हो गया घर आकर। और मैं अपने बेड को बहुत मिस कर रही थी, सो आई एम हैप्पी। और भाई वो इतनी एक्साइटमेंट बस बहुत है और बस ये है कि अब कल से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। वैसे हमें कितना ज्यादा टाइम ट्रेन में नहीं लगा जितना अपनी कॉफी को बहुत मिस कर रहा था। मैंने आते साथ ही सबसे पहले लाहौर में घर पहुंचने में टाइम लगा क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है तो इस वजह से। बट ये के बाकी बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। हमारे साथ अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय।